नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल पे। तो कैसे हैं आप सब? आपके MTS 2020 के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, आप सबको पता है। एंड आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, वो अब 2 नवंबर तक चलेंगे। एंड और भी कुछ क्लेरिफिकेशन है जो आपको चाहिए रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड एंड दैट COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड ऑल दोज थिंग्स दैट यू वांट टू नो। एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज हमारा जो ये जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा था उसकी फॉर्मेलिटीज चल रही थी, वो अभी चल ही रही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। वो काफ़ी कैंडिडेट्स को, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को, इनफैक्ट अब वो एम्प्लॉयज़ हैं, कैंडिडेट्स नहीं हैं, उनको काम असाइन हो चुके हैं एंड हमें होने बाकी हैं। तो जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा वर्क के रिगार्डिंग, वो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। जल्द ही अदर कैंडिडेट्स के भी आएंगी MTS 20 के रिगार्डिंग, क्योंकि एग्ज़ाम होना भी बाकी है आपका। उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और कैसा उनका एक्सपीरियंस है, सो दे कैन हेल्प टू मोटिवेट यू इन योर एग्ज़ाम्स। देखिए अभी कुछ रीजन्स के आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो गए हैं, स्टेटस अपडेट होगा, कुछ का बाकी है, SSCR का बाकी अभी शायद, एंड और भी NR वगैरह के बाकी हैं, NWR के, और ये आपका SSC NER का, ये आपका एडमिट कार्ड स्टेटस आ गया है SSCNER.org.in पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं, या फिर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, या कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप रजिस्ट्रेशन आईडी जान सकते हैं और उसके बेस पे आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी NER की, और ये आपका स्टाफ सिलेक्शन रीजन कोलकाता से भी अपडेट है। इसमें आपके काफ़ी तो फेज़ 8 सिलेक्शन पोस्ट के भी है, आपके टेंटेटिव EQ एक्सेप्टेड लिस्ट है, ठीक है। और ये MTS 2020 का पेपर वन के लिए जो आपका एडमिट कार्ड स्टेटस है वो आ गया है, ठीक है। और आपका जो ये SSC SR है, SR में एक कैंडिडेट का MTS 2019 का जो कैंडिडेचर वो कैंसिल भी हुआ है एंड ड्यू टू सम रीजंस, उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है तो बताते हैं आपको। और DBAR भी किया जा रहा है कैंडिडेट्स को जो कि विदहेल्ड में थे या जो कि फ्रॉड कैंडिडेट्स थे, अगर किसी जेन्युइन को DBAR किया गया है तो वो कोर्ट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड SR के भी आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं आई थिंक MTS 20 के लिए, ये रे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, ये आ गया। एंड ये आपका SSC KKR, ये मल्टी टास्किंग स्टाफ 2019 कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री अमन कुमार, दिस रोल नंबर। आपका MTS जो कि 2 नवंबर तक चलने वाले हैं उनका एप्लीकेशन स्टेटस भी आ गया है। तो ये आप सारे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के, या नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, उसके बेस पे आपका एडमिट कार्ड भी निकल जाएगा। तो ये तो अपडेट थी आपके MTS 2020 के रिगार्डिंग। अब आपका फेज़ 9 सिलेक्शन पोस्ट जो कि अपनी 2021 है, उसकी भी नोटिफिकेशन आ गई है, उसके रिगार्डिंग कल मैं सैटरडे को एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ड्यू टू कल हमारी हॉलीडे, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है इनकम टैक्स मुंबई में, मेनली इनकम टैक्स में सभी में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और काफ़ी अदर डिपार्टमेंट है जिसमें 5 डे वर्किंग रहता है, एंड कुछ डिपार्टमेंट में आपका 6 डे भी है, कुछ में आपका 7 डे 24 आवर भी है, जैसे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। एंड कुछ आपके क्वेश्चंस थे, जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। आपको एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है, और ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसपे आपकी फ़ोटो क्लियरली मेंशन हो। आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, प्रिंट ऑफ E-Aadhaar ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और एक मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज मेंशन बिलो, 10th एडमिट कार्ड, आप मतलब कुछ भी, ये डिपेंड करता है आपके किस रीजन ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है। मेनली आपका जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए, ठीक है, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, आपका कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, वो भी हम दिखाते हैं हम कैसा होता है वो, एंड आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, अगर मिसमैच है तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, वही डेट ऑफ बर्थ लेके जाएं, सर्टिफिकेट लेके जाएं, प्रूफ लेके जाएं जिसमें आपका सेम डेट ऑफ बर्थ है जो आपके एडमिट कार्ड में है, जो आपने फॉर्म में डाला है वही होना चाहिए, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, वो सिंपल सा होता है, वो आपके एडमिट कार्ड के साथ आया भी होगा, वो सिंपल आपको अपना नेम, रोल नंबर, एग्ज़ाम नेम, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, जो भी आपका कैंडिडेट नेम है, रोल नंबर, एग्ज़ाम नेम MTS 2020, SSC MTS 2020,
ठीक हो, एग्जाम शिफ्ट है, जो भी आपकी शिफ्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपकी टाइमिंग है, एग्जाम वेन्यू जो आपका एग्जाम सेंटर है, नीचे सिग्नेचर आप कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में भरना चाहे तो आप हिंदी में भर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं है, एक में मस्ट है, दोनों में भरना चाहे तो आपकी मर्जी है। और ये कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल भी हुआ है, ठीक है। ये हैं अमन कुमार जी, एंड डोंट नो वाई ये स्टेटस ऑफ पेंडिंग डिपार्टमेंट अलोकेशन वन कैंडिडेट, सॉरी ये कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हुआ है, कैंडिडेचर कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजन, वाइल्ड फाइल नंबर 230 SSC CR 2019 नॉमिनेशन MTS डेटेड 8 सितंबर 2021 CR रीजन, इनका कैंसिल ही हुआ है। स्टेटस ऑफ पेंडिंग डिपार्टमेंट, ये कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि स्टेटस ऑफ पेंडिंग डिपार्टमेंट अलोकेशन था इन रिस्पेक्ट ऑफ वन कैंडिडेट, बट इनका ये कैंसिलेशन ही हुआ है क्योंकि वेबसाइट पे भी ये कैंसिलेशन ही दिखा रहा है, एंड गॉड नोज ये इनके किस रीज़न से कैंसिल हुआ है। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि ये क्या रीजन्स थे एंड नॉमिनेशन स्टेटस में क्यों कैंसिल हुआ है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो NR रीजन से, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जिनका विधेल चल रहा था या डॉक्यूमेंट अंडर स्क्रूटिन था या पेंडिंग था, उनको भी डिबार के लेटर आए या शो कॉज के लेटर आए, NWR से या CR से भी आए आपके, जिनको पेंडिंग में रखा गया था। अब जो जेन्युइन हैं वो ओबियसली क्लियर हो ही जाएंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी करता है SSC और आपको लगता है कि आप जेन्युइन हो, आपको पता ही होगा कि आप जेन्युइन हो या नॉन जेन्युइन हो। आई वॉन्ट कमेंट अबाउट डैट कि आप नॉन जेन्युइन क्यों हो या फ्रॉड क्यों हो, आपको पता है आपने क्या किया है, ठीक है। और जेन्युइन हो तो ओबियसली आपको कोर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, पहले आप कैट में जाओगे, ये आप एक कोई भी एक अच्छे लॉयर से बात करो तो वो आपको बता देगा, एक लॉयर ही आपको हेल्प कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। और बस यही अपडेट थी आपके लिए, एंड स्टे सेफ, आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जाएँ एंड आपको भी जल्द से जल्द जॉब मिले। एंड अभी सुनने में आ रहा है कि आपकी MTS 20 में थोड़ी वैकेंसीज कम आ रही हैं, एक सर ने शायद शुभम जैन जी ने ये आरटीआई लगाई है, मैंने सुना था किसी से कि उन्होंने आरटीआई लगाई है और सादर रीजन में आपकी वैकेंसीज कम है, हम भी आरटीआई लगाने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं कि किस रीजन में क्या वैकेंसीज हैं, आप एंड आपके SSC कितना अपडेट करता है। अगर वैकेंसीज कम होती है तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि अगर MTS में आप कम वैकेंसीज दे रहे हो तो इतने सारे जो 30-40 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं उनका क्या होगा यार। एंड बाकी आपके एग्जाम्स में भी वैकेंसीज कम ही हो रही हैं वैकेंसीज के नाम पे, एंड यहाँ पे तो हमारे CBDT में प्रोमोशन रूल्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए। आपको के साथ ही किसी लाइव वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे, लंबी सी भी बात करेंगे, आई होप कल या परसों आई, मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं, बट आपसे काफ़ी दिन हो गए बात किए हुए, एंड यहाँ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, नॉट फॉर इंटरनल इन्फॉर्मेशन बट ऑब्वियसली फॉर माई एक्सपीरियंस जो अभी तक रहा है, या जनरली जो इन कैंडिडेट्स का रहा है, क्या क्या उनको काम असाइन किए हैं या क्या क्या आपको काम करने पड़ सकते हैं एज एन MTS इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वेदर इट इज़ इनकम टैक्स और इट्स सम अदर डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया और समथिंग लाइक दैट, दे आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन विच MTS आर बींग सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स, DRDO एग्जाम्स का भी आपका एग्जाम पेंडिंग है, तो लेट्स सी क्या होता है। इस वीडियो को बस ये एंड करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो डोंट मिस एनी अपडेट्स, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें फॉर एनी फ्यूचर अपडेट्स, एंड वी विल ट्राई टू बी कंटिन्यू फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।